हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मेरी भगवान भोले बाबा से यही दुआ है, आप लोग जहाँ भी रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो। तो आपने थंबनेल टाइटल पढ़ लिया होगा कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो कहते हैं ना, अब क्या पछतावत होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया चुग गई खेत, तो ये मैं क्यों आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी पछताना ना पड़े। और इससे किसानों को, जो किसानी करते हैं, उनको बहुत पता है कि कितना नुकसान हो जाता है अगर हमारी थोड़ी सी चूक के कारण। तो बहुत ज़्यादा हमारे को नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं आज आपके साथ ना ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसका मेरा मतलब, अगर आप लोग चुकंदर खाने के लिए लगा रहे और सलाद के लिए बेचने के लिए लगा रहे या अपने खाने के लिए लगा रहे, तो आप इसको 12 महीने भी लगा सकते हैं और जब चाहो तब आप इसको लगा सकते हैं और इसका मतलब आप यूज कर सकते हैं। मगर अगर आप लोगों को सीड के लिए चुकंदर तैयार करना हो, तो ये सिर्फ नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर में पहले इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बीज तैयार करना हो तो अगर आप खाने के लिए लगा रहे हैं तो आप इसको जब चाहो तब इसको लगा सकते हैं। और इसका लगाने का मैंने तरीका वैसे आपके साथ पहले भी शेयर करा है और फिर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम इसको लगाते हैं तो इसको बहुत मतलब 2 या 3 इसकी निराई गुदाई हमारे को मतलब हल 2-3 हल इसके में चलाने हैं और इसकी मिट्टी ताकि भुरभुरी हो जाए। उसके बाद हमारे को अपने मतलब खेत को क्लीन करके और उसमें हमारे को लाइनें लगानी है। तो बीज हम जैसे हमारे 1-1 फुट उसकी दूरी और एक ही मतलब कम से कम 10 इंच तक इसका बीज से बीज की दूरी होनी चाहिए। तो और हाँ, जब हम इसको लाइनों में लगाते हैं ना तो बहुत गहरा इसको लगाना नहीं है और इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल ही कम फेंकनी है। अगर हो सके तो हमारे को मतलब थोड़ी थोड़ी इसमें जो गाय का मतलब हमने गंजीवा अमृत बनाया है, बहुत ही कम थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है, या हमारे हमने जो हमने कंपोस्ट खाद बनाई हुई है और जो हमारी मतलब गोबर, गाय के गोबर की खाद है ना, उसको बहुत कम और बहुत बारीक इसके ऊपर फेंकना है ताकि इसका बीज जो है जर्मिनेशन हो सके। और अगर हम मतलब ज़्यादा इसमें मिट्टी डाल दें तो ये बीज बिल्कुल भी नहीं निकलता बाहर। और अगर हम इसको में सेज मिला दें थोड़ी थोड़ी बहुत कम, तो तब हमारा बीज बिल्कुल ही अच्छे ढंग से ये निकलता है। ये गलती हमारे को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद हमारे को जो हमारा बीज है, तो जब वो बाहर निकल गया तो उसके बाद हमारे को उसको मतलब कोई घना भी हो गया ना, उसको अलग अलग मतलब कर लेना चाहिए। और हाँ, अगर हम ना नर्सरी में भी दे इसको, इसकी नर्सरी लगाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये मतलब काफ़ी जितना भी हमारे को डिफरेंस रखना है ना उतना हम इसको रख सकते हैं, मतलब 10-10 इंच की दूर और लाइन से लाइन 1 फुट दूर। क्योंकि जब ये इसका बीज बनता है ना तो ये एक दूसरे के ऊपर मतलब ये पड़ जाता है और तब एक अगर घना होगा ना तो ख़राब हो जाता है। और हाँ, जब ये हमारा बीज उग जाता है ना
तो इसका हमारे को मतलब शीर्षमोचन करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपके साथ शेयर भी कराया है कि शीर्षमोचन करने से ना बहुत ही अच्छा एक बीज इसमें लगता है। तो ये आप देख रहे हो ना कि जो हमारा लेट है ना उसमें अब निकलने लगे हुए मतलब अंकुर ऊपर को, और जो हमारा ठीक ढंग से जल्दी लग गया है तो उसमें हमारा बीज बन के तैयार होने जा रहा है। इसलिए हमारे को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि हम इसको कैसे लगाना और लेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर हम बीज के लिए तैयार कर रहे हैं तो, अगर हम खाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसको आप मतलब नवंबर के लास्ट में भी लगा सकते हो, जब भी आप, ये 12 महीने हो सकता है। और अगर बीज के लिए लगाना है तो इसको हमारे को अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के शुरू में लगा लेना चाहिए। तो यहाँ से मैंने शीर्षमोचन करा था, तो देखो ये देख रहे हैं ना आप, बहुत ही अच्छा इसका मतलब बीज पड़ा हुआ है। और मतलब 7-8 टहनियाँ ना इसने छोड़ी है। अगर हम इसका शीर्षमोचन ना करें तो ये एक सिंगल मतलब पौधा इसका बनता है। तो शायद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिली होगी। तो शायद जो गलती मैंने करी हुई है शायद आप लोग नहीं करेंगे ऐसी गलती अगर आप बीज तैयार कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ना जो मैं अगली वीडियो होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि इसका बीज निकालते कैसे है। तो यहाँ तक मैंने आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। और इसमें ना किसी भी, आपको तो पता है कि कोई बीमारी, मेरे तो अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी क्योंकि मैं तो मतलब प्राकृतिक रूप से इसको तैयार करा है, ना इसमें कोई खाद डाली है। तो बहुत ही अच्छा मतलब चुकंदर बन के तैयार हो रहा है। तो सीड इसका बन रहा है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना।